Hello friends, welcome back to my YouTube channel Engineers Academy. Today I will discuss Central Motor Vehicle Rule 1989, the remaining part of Chapter 1. Category M2 Vehicle. M2 Vehicle passenger carry करने के काम आता है और इसमें 9 से ज़्यादा passenger seat की capacity होती है और इसकी टोटल ग्रॉस व्हीकल वेट 9.5 टन्स होती है। नेक्स्ट है कैटेगरी M3 व्हीकल। ऐसे मोटर व्हीकल जो पैसेंजर कैरी करने काम आता है और जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 9 से ज़्यादा होती है और इसकी टोटल ग्रॉस व्हीकल वेट 5 टन से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है कैटेगरी N व्हीकल। ऐसी व्हीकल गुड्स कैरी करने के काम आता और उसके साथ पैसेंजर भी कैरी कर सकता है। कैटेगरी N1 व्हीकल। ऐसे मोटर व्हीकल जिसकी ग्रॉस व्हीकल वेट 3.5 टन से ज़्यादा ना हो और ये ऐसी व्हीकल गुड्स कैरी करने के काम आता है। कैटेगरी N2 व्हीकल। इस तरह की व्हीकल गुड्स कैरी करने के काम आते हैं और इसकी टोटल ग्रॉस व्हीकल वेट 3.5 टन से ज़्यादा होनी चाहिए और 12 टन से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट कैटेगरी N3 व्हीकल। कैटेगरी N3 व्हीकल गुड्स कैरी करने के काम आता है और इसकी टोटल ग्रॉस व्हीकल वेट 12 टन से ज़्यादा होनी चाहिए। कैटेगरी T व्हीकल। ऐसी व्हीकल गुड्स और पर्सन दोनों को ट्रांसपोर्ट करने के काम में आता है, जैसे सेमी ट्रॉलर। नेक्स्ट है कैटेगरी T1। ऐसे व्हीकल जिसकी मैक्सिमम वेट नॉट एक्सीडिंग 0.75 टन। कैटेगरी N3 व्हीकल्स मींस एक कैटेगरी T व्हीकल हैविंग मैक्सिमम एक्सीडिंग 0.75 टन बट नॉट एक्सीडिंग 3.5 टन। नेक्स्ट कैटेगरी 3। कैटेगरी T3 मीन्स कैटेगरी T व्हीकल हैविंग मैक्सिमम वेट एक्सीडिंग 3.5 टन बट नॉट एक्सीडिंग 10 टन। कैटेगरी T4 मीन्स कैटेगरी T व्हीकल हैविंग मैक्सिमम वेट एक्सीडिंग 10 टन एंड 10 टन से ज़्यादा जिसकी वेट हो वो T4 में आता है। कैटेगरी T5। ऐसे व्हीकल सेमी ट्राला और ट्रैक्टर आते हैं। नेक्स्ट स्मार्ट कार्ड मींस ए डिवाइस कैपेबल ऑफ स्टोरिंग डाटा एंड एग्जीक्यूटिंग कमांड विच इज ए माइक्रो प्रोसेसर चिप ऑन ए प्लास्टिक कार्ड एंड डायमेंशन ऑफ द कार्ड एंड चिप आर स्पेसिफाइड इन द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब स्मार्ट कार्ड वो होता है जो प्लास्टिक का बना हुआ होता है, उसमें एक चिप लगा होता है। इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट मीन्स द लाइसेंस इशू बाय द लाइसेंसिंग अथॉरिटी इंडिया। इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट वो होता है जो कि एक तरह का डॉक्यूमेंट्स होता है जो अलाउ करता है कि आपकी व्हीकल किस किस स्टेट कंट्री में मूव कर सकती है। इसको डिटेल में चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल। ऐसे व्हीकल जो बैटरी के पावर से चलते हैं उन्हें बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल कहते हैं और जिसकी बैटरी की पावर 0.25 केवी से कम होनी चाहिए और मैक्सिमम स्पीड ऑफ द व्हीकल 25 किलोमीटर पर आवर से कम होनी चाहिए। व्हीकल फिटेड विद सूटेबल ब्रेक। अनलेडन वेट एक्सक्लूडिंग बैटरी वेट ऑफ द व्हीकल इज नॉट मोर देन 60 kg। यानी बैटरी को छोड़कर उस व्हीकल की वेट 60 kg से कम होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इन केस ऑफ पीडल
पीडल के केस में भी उसकी पावर 0.25 kV से कम होनी चाहिए और उसकी स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। पावर टिल्ट मींस एन एग्रीकल्चरल मशीनरी यूज्ड फॉर सॉइल प्रिपरेशन हैविंग ए सिंगल एक्सल इन विच द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल एंड इट्स कंट्रोल फॉर फील्ड ऑपरेशन इज परफॉर्म बाय द ऑपरेशन वॉकिंग बिहाइंड इट। यह एक तरह की एग्रीकल्चरल मशीन होती है जिसकी पावर 22 किलोमीटर पर आवर से कम होनी चाहिए और इसकी वेट 1.5 टन से कम होनी चाहिए। नेशनल कैपिटल रीजन शैल हैव द मेजरिंग असिस्टेंट मॉड्यूलर हाइड्रोलिक ट्रेलर मींस ए ट्रेलर मॉड्यूल इंटेंडेड फॉर कैरिंग इनविजिबल हैवी और ओवर डाइमेंशनल कार्गो एंड हैविंग द फॉलोइंग फीचर नेमली कार्गो जो होता है उसे हाइड्रोलिक मॉड्यूलर हाइड्रोलिक ट्रेलर कहते हैं। स्विमिंग एक्सल इसकी हाइड्रोलिक सस्पेंशन होनी चाहिए। इंडिपेंडेंटली स्टीयरेबल एक्सल होनी चाहिए। टू आर मोर एक्सल रो होनी चाहिए। सुटेबल अरेंजमेंट फॉर ज्वाइनिंग सच मॉड्यूलर लॉन्गिट्यूडनली और लेटरली और बोथ लॉन्गिट्यूडनली और लेटरली दोनों अरेंजमेंट सुटेबल इसकी होनी चाहिए। सुटेबल प्रोविजन फॉर ज्वाइनिंग होनी चाहिए। सुटेबल ड्रॉबर होनी चाहिए। इसके अरेंजमेंट सुटेबल होनी चाहिए। सेल्फ आर प्रोपेल्ड फिटेड विद सुटेबल ब्रेकिंग सिस्टम होनी चाहिए। पुल ट्रैक्टर मीन्स ए मल्टी एक्सल हॉलेज ट्रैक्टर आर कैटेगरी N3 व्हीकल सुटेबल अरेंजमेंट ऑफ पुल आर पुश मॉड्यूलर हाइड्रोलिक ट्रेलर आर कॉम्बिनेशन दे आर ऑफ अंडर ड्रॉबर अरेंजमेंट। सेकेंड है एडिक्वेट ब्लास्ट वेट आर प्रोवाइडिंग ट्रैक्शन। थर्ड है इसकी मैक्सिमम मिनिमम इंजन पावर 260 हॉर्स पावर से कम होनी चाहिए। इसकी मिनिमम इंजन पावर 260 हॉर्स पावर होनी चाहिए। मैक्सिमम स्पीड नॉट एक्सीडिंग 25 किलोमीटर पर आवर यानी 25 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा इसकी स्पीड नहीं होनी चाहिए। क्वाड्री साइकिल मीन्स फोर व्हील्ड व्हीकल एंड हैविंग द फॉलोइंग फीचर नेमली फुली इनक्लोज्ड बॉडी होनी चाहिए। डोर हैविंग एटलीस्ट 200 mm फ्रॉम द एडजेसेंट सीट बेस टॉप सरफेस। ठीक है नेक्स्ट है विथ साइड एंड टॉप नॉट मेड फॉर फ्लेक्सिबल मटेरियल साइड और टॉप इसके फ्लेक्सिबल मटेरियल से नहीं बनने चाहिए। फॉर गुड व्हीकल कार्गो बॉडी इंटरनेशनल एरिया नॉट लेस देन 30% ऑफ व्हीकल वेट। फोर्थ है मैक्सिमम परमिसिबल कर्व वेट यानी 450 kg इसकी मैक्सिमम परमिसिबल कर्व वेट होनी चाहिए। इनकेस ऑफ पैसेंजर व्हीकल अगर पैसेंजर व्हीकल ले तो 550 kg होनी चाहिए। अगर गुड्स है तो 550 और पैसेंजर है तो 450। मैक्सिमम सीटिंग कैपेसिटी 4 होनी चाहिए इन केस ऑफ पैसेंजर। पैसेंजर के केस में मैक्सिमम सीटिंग कैपेसिटी 4 और गुड्स के केस में मैक्सिमम कैपेसिटी इसकी 2 होनी चाहिए और बोथ के केस में फॉर बोथ सीट प्रोवाइडिंग ड्राइविंग को पैसेंजर इन फ्रंट ऑफ रो इन केस ऑफ बोथ पैसेंजर। नेक्स्ट है मैक्सिमम परमिसिबल पेलोड 550 kg इन केस ऑफ गुड्स व्हीकल अगर गुड्स व्हीकल है तो उसकी मैक्सिमम परमिसिबल पेलोड 550 kg होनी चाहिए। मैक्सिमम परमिसिबल प्रोपल्शन पावर 15 kW होनी चाहिए। मैक्सिमम डिजाइन स्पीड इसकी 70 km पर आवर होनी चाहिए। नॉट हैविंग ट्रेलर और एनी प्रोविजन कपलिंग ए सेमी ट्रेलर। मोटर कारवान मीन्स ए स्पेशल पर्पज कैटेगरी M व्हीकल कंस्ट्रक्टेड टू इंक्लूड लिविंग अकोमोडेशन विथ कंटेन एट लीस्ट द फॉलोइंग इक्विपमेंट। फॉर
फर्स्ट है सीट एंड टेबल, स्लीपिंग एकोमोडेशन विथ मे बी कन्वर्टेड फ्रॉम द सीट, कुकिंग फैसिलिटी, स्टोरेज फैसिलिटी। मतलब एक ऐसी बस होती है जिसमें सोने, खाने, पकाने सबकी सबकी फैसिलिटी होती है। इस तरह के व्हीकल नेता और फिल्म स्टार ज़्यादा यूज करते हैं, ऐसी व्हीकल को मोटर कारवान कहते हैं। रोड एम्बुलेंस वो होती है जो इंजर्ड पीपल को कैरी करने काम आता है, उसको आसानी से हॉस्पिटल तक पहुंचाया जा सके। स्कूल बस मेनली स्कूल में यूज किए जाते हैं जिसमें स्कूल बॉय को कैरी किया जाता है। इसकी कंस्ट्रक्शन स्पेशली डिजाइंड होती है, इसके टोटल पैसेंजर 13 होनी चाहिए, ड्राइवर को छोड़कर 13 पैसेंजर उसमें कैपेसिटी होनी चाहिए। स्पेशल पर्पस है व्हीकल, ऐसी व्हीकल जो स्पेशल पर्पस जैसे कि रोड एम्बुलेंस है, स्कूल बस है और भी वर्किंग फैसिलिटी वाले व्हीकल हैं, वो सब स्पेशल पर्पस व्हीकल आते हैं। नेक्स्ट है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।